भरतपुर से बड़ी खबर है। बयाना में सीआईडी कांस्टेबल से मारपीट का मामला सामने आया है। टोल कर्मियों ने टोल प्लाजा पर मारपीट की है। टोल टैक्स को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। झगड़े में कांस्टेबल चोटिल हो गया है। पुलिस ने दो टोल कर्मियों को भी हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि जयपुर पुलिस में तैनात सीआईडी कांस्टेबल शशिकांत गुर्जर बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे स्थित बीरमपुरा टोल प्लाजा की घटना बताई जा रही है। SHO बयाना हरिनारायण मीणा ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो टोल को लेकर विवाद हुआ टोल कर्मियों में और सीआईडी के कांस्टेबल में। अब विवाद बढ़ गया तो टोल कर्मियों ने मिलकर जो है कांस्टेबल को पीट दिया। अब कांस्टेबल को लगी चोट तो जो है पुलिस कर्मी हरकत में आए और यहां पर कुछ टोल कर्मियों को हिरासत में लिया गया है, उनको गिरफ्तारी हुई है। बयाना में सीआईडी कांस्टेबल से मारपीट का यह पूरा मामला। टोल कर्मियों ने टोल प्लाजा पर की मारपीट, यह खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूरी जानकारी जो है SHO बयाना हरिनारायण मीणा ने दी है। पुलिस ने दो टोल कर्मियों को इस दौरान हिरासत में लिया है। ये भी एक चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने। डेट जानकारी आपको दे दे, भरतपुर से ये खबर है। देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। देवेंद्र, क्या था पूरा मामला, क्या कार्रवाई इसमें हो रही है? देखिए आशीष, RSRTC का टोल है बयाना के वीरमपुरा पर, और कल जब वहां से एक पुलिसकर्मी है जो जयपुर में CIDCU में तैनात है, वो अपने वाहन से अपने घर उज्जैन आ रहा था, तो उसने उस दौरान उन टोल कर्मियों को अपना जो पुलिस का जो कार्ड है वो दिखाया और कहा कि भाई राजकीय, मैं राजकीय सेवा में हूँ, इसलिए मुझे इस टोल से फ्री जाने दिया जाए। इस बात को लेकर उनमें विवाद हुआ, विवाद की के बीच ही तो कुछ देर में हाथापाई शुरू हो गई। और इस दौरान आरोप यह है कि जो पुलिसकर्मी है शशिकांत नाम का जो पुलिसकर्मी है, उसके साथ जो टोल कर्मी है उन्होंने जमकर मारपीट की, उसको घायल कर दिया। बाद में इस पूरे मामले की शिकायत जब बयाना थाने को दी गई तो बयाना के जो थाना प्रभारी है हरिनारायण मीणा, उन्होंने इस मामले में दो टोल कर्मियों को हिरासत में लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। उनकी 151 शांति भंग के तक गिरफ्तारी की गई है। साथ ही जो घायल पुलिसकर्मी है उससे भी पुलिस ने FIR देने को कहा है। जब वो FIR देगा तो पुलिस आगे अनुसंधान के अनुसार कार्रवाई करेगी, लेकिन निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी घटना है। किस तरीके से टोल पे लट से वसूली की ये पूरी घटना सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने।